हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, डेट्स डिसाइड हो गई हैं, तो आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिनको आप पढ़कर सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं। इसमें चैप्टर वन, चैप्टर टू, जितने भी चैप्टर थे उस हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर वन में देखते हैं। चैप्टर सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसका ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, वो कौन कौन सी है और उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको लिखने को आ सकती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर्स, जो उसमें रजिस्टर्स यूज होते हैं उनमें डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बस। ट्राई स्टेट बस जो होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो ब्लॉक डायग्राम है और उसके जो ब्लॉक्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थे चैप्टर वन के क्वेश्चन। फिर आते चैप्टर नंबर टू पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फोर्थ चैप्टर है आपके माइक्रो प्रोसेसर का 8085। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पूछ सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे एडवांसमेंट उसमें आते गए, ईयर वाइज आपसे पूछा जा सकता है। राइट, फिर बस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, बस की डेफिनेशन और उसके कितने टाइप्स है उनकी डेफिनेशन आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और उसके जो ब्लॉक्स हैं वो वहां पर समझाने पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें जो 40 पिन का जो माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है वो आपको वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा और एक एक पिन के बारे में वहां पर लिखना पड़ेगा कि उसकी क्या फंक्शन होती है। ठीक, नेक्स्ट इज ALE एंड IOM बार क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल और IOM बार का क्या फंक्शन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, फिर आता है फ्लैग रजिस्टर क्या होता है या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW क्या होता है 8085 में, प्रोग्राम फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, उसमें कौन कौन से फ्लैग होते हैं और उनकी क्या वैल्यू होने पर क्या आउटपुट शो कर रहा होता है। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको के लिए। राइट, फिर है GPR जनरल पर्पज रजिस्टर। GPR जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, कौन कौन से उसमें रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर है SPR स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको बतानी पड़ सकती है या फिर इनमें किसी एक के बारे में आपसे अलग से पूछा जा सकता है। जैसे स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आ गया स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है 8085 का, उसमें एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है, फेच साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, इनकी डेफिनेशन के बारे में आपको आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाकर वहां पर समझाएंगे। फिर आता है टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए उसमें क्या बनाना पड़ सकता है, ऑफवर्ड फेच साइकिल का आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ सकता है, मेमोरी रीड साइकिल बनानी पड़ सकती है, मेमोरी राइट साइकिल बनानी पड़ सकती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जा सकता है, एक आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें आपका बस इंटरफेस यूनिट क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना पड़ सकता है। ठीक है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जैसा इसमें 8085 में कौन कौन से रजिस्टर है वैसे यहाँ पर आपको 8086 के कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, 8 बिट के रजिस्टर कौन से हैं, 16 बिट के रजिस्टर कौन से हैं, ये बताना पड़ेगा।
पाइपलाइनिंग क्या होती है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, ये आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। यही एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है एड्रेसिंग मोड क्या होता है, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, कितने टाइप का होता है और उन टाइप के डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये आपको वहां पर बताना पड़ सकता है। मतलब आपको एड्रेसिंग मोड बताना पड़ सकता है, उसके टाइप और कोई एक टाइप उसको एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और इंस्ट्रक्शन सेट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन सेट 5 टाइप्स के हैं तो वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बताना पड़ता है, एक या दो एग्जाम्पल लेके बताना पड़ता है, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 8-bit के नंबर को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कोई लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपको उसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाकर दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। सब रूटीन क्या होता है, हैंड शेकिंग क्या होता है, पोलिंग क्या होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पूछते हैं आपसे कि इंटरप्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी टाइप्स हैं उनकी आपको शॉर्ट डेफिनेशन बतानी पड़ सकती है वहां पर, या कोई एक पर्टिकुलर इंटरप्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर डीएमए क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, आपको ब्लॉक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक है। पीपीआई प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसका भी आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ता है या करना पड़ सकता है जब पूछा जाएगा तो। प्रोग्रामेबल इंटरवल काउंटर, ठीक है, पीआईसी, ये भी आपसे इसका ब्लॉक डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। एडीसी और डीएसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इनके डेफिनेशन, इन दोनों में ये दोनों कितने कितने टाइप्स होते हैं और कोई एक आपसे पर्टिकुलर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ने सारे हैं लेकिन जो भी कोई पूछा जाएगा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। विद एयरपोर्ट डायग्राम, डायग्राम बहुत जरूरी है, बिन डायग्राम के नंबर आपको कम मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या वेक्टर नॉन वेक्टर इंटरप्ट करके आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज, इसमें आता है आपकी मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी, और मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डी रैम इंटरफेसिंग, आपकी डी रैम 8085 से इंटरफेसिंग पूछी जा सकती है। रैम और रोम की इंटरफेसिंग 8085 से पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन रैम रोम पी रोम बीपी रोम ई स्क्वायर पी रोम, इन सब के बारे में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, ये रैम के टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि फाइंड दी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, अगर आपको मेमोरी दी हुई है 64 KB की मेमोरी है तो उसमें कितनी एड्रेस लाइंस की जरूरत पड़ती है, ये आपसे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा जिसमें आपसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम या उसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, पेंटियम के शॉर्ट नोट, पेंटियम पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, या पावर पीसी पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो इनके आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट में ही अक्सर आता है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये जनरली 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में से जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं डेफिनेटली आपके पेपर में जरूर फंस सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सैंपल क्वेश्चंस हैं, अगर ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे अगर आप इतना पूरा तैयार कर लेंगे तो 90% चांसेस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।